हेलो, ये देखिए हमारी चोटियाँ। मेरी ये वाली कितनी पतली हुई है क्योंकि इधर के बाल कम लिए हैं ना। तो हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल चोटी के गांव की चोटी में। फोन आ रहा है। आज ही देखिए यहाँ पे सो रही हैं और गोलू देखिए एकदम ज़मीन पे बेसुद सोई पड़ी है, एकदम थक गई है। तो मैं और छोटी जा रहे हैं और अभी आजी यहाँ पे आराम कर रही है और छोटी क्या कर रही है दिखाती हूँ मैं आप सबको। सो यहाँ पे छोटी चाय बना रही है आजी के लिए, है ना। क्योंकि हम लोग आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा हमको, तो इसने सोचा कि तब तक चाय बना के उनको पिला के दे देते हैं। तो ये उसी की तैयारी में है। मैं भी सोच रही हूँ पानी पी लूँ, पता नहीं क्यों ना जैसे हम मेरी आजी बोलती ही जलना वैसा कुछ हो रहा है एकदम अंदर से। एसिडिटी ना सही का। चल चल बस तू ही तो कह रही। चुप रह। हम गलती बोल रहे थे। हाँ कैसे गुलवस माँ पानी पी रस ठीक हो जाए। आज ही बोलिए कुछ मुंह में खा के पानी पी लो। अब बचपन में भी बोलती थी कि गैस बना था तो पानी पी लो जा। कहो अजी अजी मम्मी हमार कहाँ बड़ी। अब आज ही भूलने लगी हैं बातें, भूल जाती हैं बहुत सारी बातें और बोलती नहीं है। जितना ही बोलती एकदम चुप पूरा दिन चुप। आप अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगी, है ना प्रियंका। आज ही बोलती नहीं है ना। और हम लोग को एकदम लेट हो गया है। गोलू अभी भी सो रही है। गोलवा को उठाएं कहो आजी। कहाँ बोलते ही सर गोलवा के उठाएं। तो दादी के लिए चाय बना के मैं लिख के दे दी। दादी कटोरी में ही पीती है, ठंडा हो जाएगा तब भी उसके बाद। है जी उठा आजी। क्या सही जी बजारत हुई ठंडा होकर पीबू। मोदी मोई तो उठा ठंडा हो जी। तारा उठा ले मैं ठंडा हो जी। कहाँ हो गई हेलो। तो हम लोग आए हैं किसी काम से यहाँ पे क्योंकि बस ऐसे ही सोच रहे हैं। देखिए सोचने में ख्वाब देखने में तो कुछ जाता नहीं है, बस ऐसे ही आए हुए हैं इधर यहाँ पे एक प्लॉट देखने के लिए। किसी ने बताया था कि बहुत सस्ते में मिल रहा है पर और खाली नहीं है यहाँ पे हमारा बजट के हिसाब से, क्योंकि अम्मा के पापा सोच रहे हैं, मतलब अभी सोच रहे हैं हम, ये मत सोचिएगा कि हम लेने वाले ही हैं फाइनली। तो पता चला कि यहाँ पे खाली ही नहीं है और हम नहीं ले पाएंगे। मतलब सपना इतना सा देखा नहीं, लेकिन इधर ही आस पास और भी। हाँ लेकिन इतना कॉस्टली है तो कहीं उड़ाई देख ली गैया कहते हैं। इतना ज़्यादा है इधर प्रॉपर्टी की, मतलब मुश्किल सा ही लग रहा है ना। मतलब 1% आपने सोचा तो 100% आपके सपने जो है वो टूट जाते हैं। जी जाएंगे संडे को ना देखने के लिए कहीं पास में। अभी देखिए रम्मा के पापा कहीं आने वाले हैं, देखने वाले हैं। मन बन चुका है रम्मा के पापा का, मन बन चुका है, जबकि मेरा मन कुछ और ही है। मैं तो अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहती हूँ, बहुत बड़ा करना चाहती हूँ जो मैं कभी पता नहीं कर पाऊंगी। अगर जमीन खाली अगर आप लोगों को पता हो तो वो करिएगा, डीएम कह रही हूँ, कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं थोड़े देर के बाद आप सबसे, थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। तो अभी आई थी मैं और मैंने यहाँ पे बैठे बैठे रील भी बना लिया क्योंकि मेरे को इस ड्रेस का ना कोलाब्रेशन करना था। तो मैं सोचा चलो मैं कोलाब्रेशन भी कर लेती हूँ साथ साथ में, बहुत टाइम के बाद। तो मैं घर बन रहा है लोगों का पास में। चलो कोई बात नहीं, हमारा सपना
अधूरा ही रहेगा। ए रुको ना, उधर कोई है पता नहीं कोई। देखो देखो मैं कहाँ लेकर आ गई। अभी हम आए हैं मंदिर, आए हुए हैं हम लोग विश्वनाथ मंदिर, तो यहाँ से दर्शन कर लीजिए महादेव के, और हम भी महादेव के दर्शन भी करेंगे। चलिए चलते हैं। तो हम लोग मंदिर तो आए हुए हैं, लेकिन ऐसे दूर बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने का कुछ रीज़न है, इसलिए अंदर से दर्शन नहीं करेंगे, बाहर से ऐसे भोलेनाथ का दर्शन करेंगे और बस यहाँ की जो है वो कोल्ड कॉफ़ी पी लेंगे। आ गए हैं तो छोटी बोल रही है क्या हुआ, क्या होता इसके साथ में? कैसा अच्छा लगता हम है? हमको ना आइस पसंद है, बस आइस डाल देना सर। हाँ आइसक्रीम हो ना, हम पी अब आइसक्रीम वाला। तो वो पूछने आई थी कि आइसक्रीम के साथ पीना है, और इतनी ज़्यादा भीड़ है देखिए, पूरा पूरा बीएचयू का मतलब यहाँ पे जहाँ भी देख रहे हैं ना, पूरा इतना ज़्यादा भीड़ है कि मैं क्या बताऊँ आप सबको। बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो बस आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। मतलब थोड़ी सी खुशियों के जो पल होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से चुरा के जी रहे हैं हम। क्या हुआ प्रियंका? कुछ नहीं, एंजॉय करूंगी मैं। कौन ऐसे कौन कॉल डालता है, ये अजीब सा लग रहा है। खुश हो? दादी के लिए, दादी के लिए ना कुछ फ्रूट ले लूं और कुछ स्ट्रीट फूड ले लूं, मतलब कुछ भी तो ले लूं, क्योंकि अभी जाऊंगी तो वो लेके आएंगे कुछ लेके। और ज़्यादा रात नहीं हुआ है, अभी 6:30 हो रहा है, अंधेरा जैसे लेकिन हो गया है। यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग ऑटो और 10 मिनट में पहुँच जाएंगे हम दोनों घर। और कोई परेशान हो रही, कॉल कर रही है दीदी कब आओगी, दीदी कब आओगी, दीदी कब आओगी। बनारस में स्ट्रीट फूड बहुत सारा मिलता है, मतलब अगर आप साउथ में जाते हो तो साउथ इंडियन बहुत मिलता है। बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक देश प्रदेश का देशों का लोग आवेला है, जर्मनी का, जर्मनी का लोग आवेला, हर जगह का लोग आवेला। आते हैं कि नहीं बोल रही, मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, किसी रोड क्रॉस करना था तो उनको पहले चलो थोड़ा सा वो बना लेते हैं, बस बस लेके आते। पता है आप सबको, मैं ना यहाँ ना गाड़ी के पास में ना फ़ोटो मेरी बहुत अच्छी आ गई, तो बस हम सोच रहे थे दोनों बहन बैठे बैठे, मतलब खड़े खड़े, कि काश ये गाड़ी हमारे पास होती, मतलब हमारी होती, काश इतने पैसे होते कि हम लोग के पास भी गाड़ी होती, मतलब सस्ती वाली ही गाड़ी 5-6 लाख की मिलती होगी जो भी, या 4-5, पता नहीं, गाड़ी का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। तो बस यहाँ पर फ़ोटो हमने खिंचवा लिया, और ये मेरे को डांट रही है कि तुम खिंचवा तो, अगर वो भैया आ गए तो पकड़ के पीटेंगे गाड़ी तो वाले। कि ये मेरे साथ में नहीं है, सॉरी मैं नहीं जानती। चलिए मिलते हैं आप सबसे, वो जिस ले ले लो का सब्जी। यहाँ पे देखिए हम लोग सब्जी मंडी में आए हैं और इतनी भीड़ है, वो ही से ले लेते हैं फिर चल के। लौकी नहीं मिलेगा, लौकी यहाँ पे वहाँ से ले लेते हैं। देखिए इसको कहते हैं मेंटेन करके रखना। अब लौकी का जूस मैं पीती हूँ तो कहीं भी रहूँ तो यहाँ से मैं लेके जाऊँगी। रीज़न मैं आप सबको बताऊँगी कि मैं क्यों इतना खुद पे ध्यान दे रही हूँ। गाँव में 2 रुपये किलो मिलती है लौकी, मतलब 2 रुपये की एक लौकी आती है जिसको मैं जूस बना के रोज़ पी लेती हूँ, और यहाँ पे 20 रुपये किलो है लौकी। देखिए मैं ले रही हूँ एक छोटा सा लौकी 20 रुपये का। क्या बोलूँ, पूरा पापड़ उपड़ लेके बैठी हूँ, मेरा फेवरेट ये पसंद है, ज़्यादा तीखा नहीं है बिल्कुल। पूरा पतीला लेकर आ गई हूँ। देखिए हम जा रहे हैं खाना, चावल हम लोग कुकर में नहीं बनाते हैं, छोला बना। यहाँ पे देखिए वो छोले वही बने हैं जो कल वहाँ पे मैंने भिगो के रखे। अरे आज मैं नया चावल को एकदम अच्छा पानी देता नहीं, पापड़ अरे पानी पी लो कैसे खाएंगे, अरे गिर जाए दो पानी रख दी। आराम से पहले खा ला जी। छोला बनाया तो मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत टेस्टी नहीं बना होगा, तो खाने के बाद पता चलेगा। चलिए हम खाना खाते मिलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं सारे लोग खाना खाने के लिए, अब एक ही रूम में सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेगी, तभी मैं ना कतरा रही थी आने से, बट आना पड़ गया मेरे को। अभी मैं कल जाके अपनी आँखें दिखाऊँगी, आज डॉक्टर मिल नहीं पाए जिनको दिखाना है, तो कल जाके मैं दिखाऊँगी, और एक ही रूम में। हाँ पहले मैं ही कर दे रहा हूँ।
जी मत खा, पहले फल पेट भर ले। नहीं आजी को ना पूरा मसल के दिया जाता है, लेकिन खाती वो सब कुछ है। तो क्यों नहीं दे? हमारा मत दीजिए यार, पहले ही फटफटा दीजिए। बस देवी खा ली कुछ ना, ऐसी मत खा, वो मत खा, पहले रोटी खा। पहले रोटी खाता भी खाई खाना खाई ना खा। छोला बनल बढ़िया है, मटाल की रोटी खा निक लगी। देख देखा छोल छोल कैमरामैन मेरे दीदी पिस्टल क्या क्या कर रही हो प्रियंका? राधिका का डेली रूटीन देखा आज ही। बस देखिन का कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मेरी तोता है जी, तूती है जी। कहा गुड मॉर्निंग तूती आजी ए जी। तू कब कहो तो हम कहो तो आजी हो हम कह दे गुड मॉर्निंग कहीं भी सा कह दे कुल आदमी देखो तो सबको आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दे दो जय हो कह दे गुड मॉर्निंग। हां ए प्रियंका आज जीवन में आज कभी ना आज फाइनली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, सब देखला सब तो के देखला सब तो के खूब सब तक न कहले कहले कि जल्दी ठीक हो जा। आज ही कितना प्यारी बाड़ी, क्यूट बाड़ी आज ही। हमरा के चाय नहीं के देले तो आज ही यहां पे चाय और टोस्ट खाएंगे सुबह सुबह। ए जी ला हमारे जो जो ब्रश कर लिए हैं आज ही तो उतार बोला ना कैसे तो लग। ए जी यहां पीछे न होए करे दीदी आज ही तो पी रहे दीदी बताओ हमारे पीछे न होए। हां आज ही कितने दिन से नए दीदी को कहा गुड मॉर्निंग। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग का यहाँ से हो रहा है स्टार्ट है ना भी। और यहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ली मच रही है। आज ही के लिए मैंने टोस्ट ले आया था, लेकिन गोलू उस पे लकड़ी ढेर बोलतड़ी है। और यहाँ पे वो बड़े पापा को भी फोन लगाई हुई थी, उनसे बात। ए रुक जाओ मेरे को बात कर लेने दो, तुम ही लोग बोले जा रही हो। तो आज ही को बहुत अच्छा लग रहा है एक दो दिन और रुक जाओ। रोटी ना छूट पावे दीदी के जब इतना रुक जा रुक जा। और अनी सुबह सुबह चाय रोटी खा रही है, देखिए बचपन के दिन आपके याद आ जाएंगे। सबने खाया है, अनिल ने भी खाया है, प्रियंका ने भी खाया है, और रोटी बची है, मैं भी एक खा लूंगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आज ही टोस्ट खाते हैं। पान के खाए ला तो बोल दी पिटाई वाली भी आज ही निकला ना। मेरे आज ही खुश बड़ी वहाँ पर ये आज ही निकला का था ना आज ही जहर जहर पूछे जमत तो आज से मादी 90 आज ही मत तो जे जा आज ही सब कुछ फ्रेश। सुबह सुबह उठ के आज ही अपना काम धाम कर लेती हूँ। अच्छा लागत है। पहले के टाइम में एगुल पहले के टाइम रहता है जी टोस्टवा ना। बस बड़े पापा को बहुत मानती हैं, बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा। अगर एक चीज़ एक मिला ना वो चीज़ तो हम लोगों को कभी नहीं देती थी। हाँ दो मिला तो हमको आधा आधा देंगी, अपने नहीं खाती थी। तो हमको कब कुछ नहीं खी दिले भटकन मुँह बना के बैठे बड़ू सुबह सुबह। तो आज हम पूरा दिन आज ही के साथ में स्पेंड करने वाले हैं। ये बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई डॉक्टर कहेंगे तुम चुप रहो। ये लड़ाई करने के मूड में आ गई है इसलिए मैं फोन रख दी हूँ ऐसे ही। चल रख बोल रही है कि कैमरा ऑफ करो लड़ी जाए।